नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुंजल वीरा है और वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लास्ट दिन पितरों के दिन, पितरों पक्ष में हम क्या कर सकते हैं। लास्ट दिन पे पितरों पक्ष यानी कि हम सर्व पितरों पक्ष पे दान करते हैं। हमें नहीं पता रहता है हमारे कितने पितरों का होता है, कितने बड़े अपने बुजुर्ग या तो हमारे ऊपर वडिल जी चले गए हैं, वो हमें नहीं पता रहता है। हम जब कुंडली देखते हैं तब पता चलता है भाई पितृ दोष है। तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए? आप गरीबों को खिलाते हो, ब्राह्मण को खिलाते हो या तो आश्रम में दान करते हो। आप जब पिंड दान करते हो यानी कि उसमें चावल आते हैं, चावल के अंदर 1 रुपये का कॉइन, 11 रुपये का 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया, आप इसको गुप्त में छुपा के रख दीजिए। आप सामने जब दान करते हो तब आप मत बताइए, ये गुप्त दान बोलते हैं। चावल के अंदर आपको ये छुपा के दान करना है लास्ट पितरों के दिन। उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? कभी कभी हम लोग जब कुंडली दिखाते हैं पैसों की तंगी रहती है, हम कितना भी काम करते हैं हमारे पैसे अटकते रहते हैं। हमें जो काम करना चाहिए कि कितनी भी मेहनत करते उसका फल नहीं मिलता है, या पैसे की तंगी में ही रहते हैं, या स्ट्रेस लेवल पे हम लोग रहते हैं, या बीमारियों से जूझते हैं। आप ये सर्व पितृ पे जब चावल पे आप ये करते हो, आपको पैसों की तंगी से भी फर्क पड़ता है, आप जो स्ट्रेस लेवल पे रहते हो पैसों की वजह से उसमें भी आपको फर्क पड़ता है। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।